बता दें शारदीय नवरात्र का आज आठवां दिन है। माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। आज का दिन माता महागौरी को समर्पित है। देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तो आज शारदीय नवरात्र के का आठवां दिन है, जहाँ माता के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। बता दें कि खास फूलों व वस्त्रों से माता का श्रृंगार किया गया है। देवी की आराधना करने को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और इसको लेकर मंदिरों में काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। देवी की आराधना को लेकर भक्तों में उत्साह है। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। तैयारियां भरपूर की गई हैं। सीसीटीवी के जरिए मंदिर परिसर पर नजर रखी जा रही है। देवी मंदिरों में माता के जयकारे गूंज रहे हैं। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और संवाददाता सीमाब हमसे जुड़ चुके हैं। सीमाब, देखिए शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, आज शारदीय नवरात्र का आठवां दिन है, क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे तो नवरात्र के नौ दिन पूरे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और ये शारदीय नवरात्रि चल रही है। ऐसे में जो अष्टमी है यानी आज का दिन, ये माँ महागौरी का दिन है और इस दिन पूजा अर्चना श्वेत वर्ण की चूंकि मानी जाती है माँ महागौरी, और इसलिए उनको जो है वो तमाम चीज़ों से उनको चढ़ाई जाती है। सफ़ेद पुष्प चढ़ाए जाते हैं, पिंक पुष्प चढ़ाए जाते हैं, तो इस तरह के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। आज हम इस वक्त मौजूद हैं एक मंदिर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रिका देवी मंदिर का ये घंटा जो है वो लगा हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए कि ये घंटे को बजाते हुए लोग अंदर आते हैं और सीधे माँ के दर्शन जो है वो करते हैं। ये दर्शन हम अपने दर्शकों को भी कराएंगे। यहाँ से सीधे दर्शन आप देख सकते हैं भारत समाचार पर कि सीधे तौर पर माँ चंद्रिका देवी के दर्शन, माँ महागौरी के दर्शन जो है वो कराए जा रहे हैं। आज के दिन का बेहद महत्व है और इन नौ दिनों में सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए भी कहा जाता है कि देवी ने आज जो है वो अपना जो आठवां स्वरूप है, उन्होंने जो राक्षस से उनके नरसंहार के लिए ये रूप धारण किया था। भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूरी कम से कम एक किलोमीटर तक ये माना जाए कि लाइन लग सकती है, लेकिन कुछ इस तरह से व्यवस्था की गई है वहाँ पर कि लोग एक एक करके वहाँ पर आ रहे हैं। बहरहाल ये तस्वीरें चंद्रिका देवी मंदिर की हैं जहाँ पर महिलाओं की लाइन एक तरफ लगी हुई है। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको और लोग दर्शन करने के लिए एक के बाद एक पहुँच रहे हैं। आज का दिन शारदीय नवरात्रि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, माँ महागौरी का दिन माना जाता है और इस दिन जो है वो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। उसको मान्यता ये है कि इस दिन कन्या पूजा भी की जाती है क्योंकि कन्याओं को पूजा करने के बाद और जिसकी जो क्षमता है, जिसके अंदर जो ताकत है, उस हिसाब से कन्याओं को दान भी करना चाहिए, दक्षिणा भी देनी चाहिए। आज का दिन कन्याओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है और कन्या पूजा भी आज के दिन की जाती है। तो दर्शन हम करा रहे हैं और साथ ही साथ भक्तों की भीड़ भी दिखा रहे हैं, लाइन भी दिखा रहे हैं। बड़ी लंबी लाइन जो है वो यहाँ से लगी हुई है जहाँ पर लोग सीधे पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं, माँ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर सुबह से ही, सुबह 3 बजे से लगभग जो है वो लाइन लगी हुई है और कुछ लोगों का अभी नंबर आया है, कुछ का बाद में आया है। तो हालांकि 9 बजे का वक्त हो गया है और लगातार ये दर्शन का सिलसिला जारी है और ये देर तक चलता रहेगा।
क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत लंबी लाइन है, दूर दराज से लोग भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि चंद्रिका देवी मंदिर का एक अलग महत्व है। और यहाँ पर यह भी मान्यता है कि आज के दिन जो भी मान्यता मानी जाती है वो ज़रूर पूरी होती है, और लोगों के आस्था है और उसी आस्था को लेकर लोग यहाँ पर आते हैं। तमाम महिलाएं हैं, भीड़ है, आप देख सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए जो है वो जो अधिकारी हैं या कुछ लोग हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है कि उनको वक्त ज़्यादा न देना पड़े यहाँ पर। बाकी एक लंबी लाइन देखने को मिल रही है, लोग दर्शन करने के साथ साथ अपनी मान्यताएं भी मान रहे हैं और उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। सीमा, आप देखिए, आप चंद्रिका देवी मंदिर में मौजूद हैं, आपके पीछे तमाम भक्त नजर आ रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें, क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर को लेकर? जी बिल्कुल, बात करते हैं, पहले फिर से एक बार दर्शन कराएंगे हम माँ के अपने भारत समाचार के दर्शकों के, और उसके बाद फिर बात करेंगे। तमाम महिलाएं हैं, तमाम लोग आए हैं वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, भक्तों से बात भी करेंगे, भक्तों से जानकारी भी लेंगे कि वो यहाँ पर आए हैं। और दूसरी तरफ का सबसे आप देखिए कि चुनरियाँ किस तरह से यहाँ पे जो बांधी गई हैं, बंधन एक खूबसूरत जो है वो नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर चुनरी है, लोगों ने बंधन भी बांध रखे हैं, और ये बंधन उस वक्त बांधा जाता है, ये मान्यता है कि यहाँ पर जो भी बंधन मानता है उसकी मान्यता पूरी होती है, और मान्यता पूरी होने के बाद वो यहाँ पर पहुँचता है। बहरहाल एक ये लंबी भीड़ है, बात करेंगे, कहाँ से आई हैं आप? लखनऊ से हैं कि? लखनऊ से ही हैं। लखनऊ से आई हैं, क्या मान्यता है इस मंदिर की और क्या किस तरह से यहाँ पे आती हैं? यहाँ की बहुत अच्छी मान्यता है, जो भी मांगो पूरा होता है। जो भी मांगो पूरा होता है, तो कितने बजे से लाइन? हम तो अभी एक घंटे से लगे लाइन में, क्या कहाँ से आई हैं? लखनऊ से आई हैं। क्या मान्यता है इस मंदिर की? इनके मान्यता बहुत है, मान्यता बहुत है। क्या नाम है? आरती नाम है। कहाँ से आई हैं? लखनऊ से। लखनऊ से ही हैं। क्या मांगने के लिए आई हैं आज, पूजा कर रहे हैं? यही मांगने के हमारे सब लोग सही से रहे, सब कुछ अच्छा हो। बहुत सारे लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, तमाम जो है वो पुरुष भी हैं, लाइन लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे लोग आए हुए हैं अपनी अपनी मान्यता देखिए, हाथों में पूजा का जो है वो सामग्री है और पूजा की सामग्री लेकर वहाँ पर पहुँचेंगे। कहाँ से आए हैं? मैं पारा से। पारा से, लखनऊ से आए हैं। यहाँ की क्या मान्यता है, कब से आ रहे हैं यहाँ पर और कितने बजे से लाइन में लगे हैं? लगे हैं 8 बजे से लाइन में लगे हैं। एक घंटा हो गया। क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई? मान्यता है कि जो माँ से मन्नत मांगी जाती पूरी होती है। मन्नत मांगी जाती है पूरी होती है। क्या नाम है आप? विनोद सिंह। विनोद सिंह, क्या मान्यता है, क्या मन्नत मांगने के लिए? कहते हैं माता जी से जो अपने दिल से मांगो वो पूरी होती हैं मुरादें, इसलिए नवरात्र के समय पे सभी यहाँ पे आते हैं, तो नवरात्र में जो मांगा जाता है यहाँ पे मिल जाता है। बाकी दिल से मांगने की बात है, श्रद्धा अपनी अपनी है। अपनी श्रद्धा है, श्रद्धा जिसकी जितनी होगी उसको उतना। जी, श्रद्धा जिसकी जितनी होगी उसको उतना मिलेगा। सभी लाइन में लगे हैं, सभी काफ़ी देर से लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, कहाँ से? सर लखनऊ से। क्या मांगने के लिए? सर ऐसे ही माता जी के दर्शन करने आए। तो ये एक बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, लोग आ रहे हैं और आने के बाद दर्शन कर रहे हैं और अपनी अपनी मान्यताओं को मांग रहे हैं। और आज के दिन की ये भी मान्यता है कि अगर जो है वो माता जी के दर्शन करने के साथ, उनकी पूजा अर्चना करने के साथ कोई भी व्यक्ति दिल से मनोकामना मानता है तो वो पूरी ज़रूर होती है उसकी मनोकामनाएँ, और लोग जो है उनके घरों में सुख समृद्धि और साथ साथ दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है, और जो सांसारिक सुख हैं वो उनकी प्राप्त होती है और दुखों का हरण होता है, दुख नाश होते हैं। तो इस तरह की मान्यताएं हैं, और यही वजह है कि चंद्रिका देवी मंदिर में इतनी लंबी लाइन लगती है, लोग पूजा करने के लिए आते हैं, अर्चना करने के लिए आते हैं और दर्शन करने के लिए आते हैं। ये सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहेगा, सुबह 3 बजे से यहाँ पर लाइन लगी हुई थी और अब धीरे धीरे लोगों के और भी ज़्यादा आने का सिलसिला जारी है। कोई लखनऊ से आ रहा है, कोई दूसरे शहरों से आ रहा है, क्योंकि आज अष्टमी का दिन है और ये अष्टमी का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जी धन्यवाद सीमा हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। वही खबर रामपुर से है।